स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है। जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज करते हैं सन का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, मून का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, स्टार्स के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, और इसके यूजेस होते हैं ज्योग्राफिकल लेंथ फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल वैलीज के डिप्रेशन को फाइंड करना है, माउंटेन के हाइट को फाइंड करना है, इन सब कामों के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में चैप्टर 9 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को जानना, कुछ कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होगा, जिसमें सबसे पहले हम आता है लाइन ऑफ साइट। बेसिकली एक ऑब्जर्वर की आई से जो ऑब्जेक्ट को देखा जाता है वो इमेजिनरी लाइन बनता है। ऑब्जर्वर की आई, लेट अस सपोज दिस इज एन ऑब्जर्वर्स आई और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इसकी आंख से ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक इमेजिनरी लाइन बनती है ऑब्जेक्ट। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट, नीचे से ऊपर की तरफ। बट इट इज नॉट सर्टेन दैट एवरी टाइम लाइन ऑफ साइट नीचे से ऊपर की तरफ ही बनेगी। पॉसिबल है कि ऑब्जर्वर हमारा इस पोजिशन पे हो और ऑब्जेक्ट यहां नीचे, तब लाइन ऑफ साइट नीचे की ओर ऑब्जर्वर की आई से जो ऑब्जेक्ट तक जो इमेजिनरी लाइन आती है वो लाइन हमारा लाइन ऑफ साइट है। इसके अलावा हमें पढ़ना है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मैं मान लेता हूं कि मैं और मेरा दोस्त एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है, मैं सरफेस के किसी पॉइंट पे खड़ा हूं, तो मेरी आंख यहां है, मेरी आई से हॉरिजॉन्टल लाइन, मेरी आंख से मैं जब ऑब्जर्वर को देख रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, सर मेरी आंखों से मैं जब ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। और ऑब्जर्वर की आई से हॉरिजॉन्टल जो लाइन जाती है वो लाइन हमारा बेस कहलाता है। तो ये बेस यानी इस पर्टिकुलर ट्रायंगल ए बी सी, इस केस में लाइन ऑफ साइट और बेस के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, मान लिया ये एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल बना ये हमारा एंगल क्या कहलाया, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब नीचे से ऊपर की तरफ होता है तो हमारा ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब कंडीशन को चेंज करते हैं, मान लिया कि अब मेरा दोस्त भी तो मुझे देख रहा होगा नीचे, तो मेरा दोस्त नीचे देख रहा है, तो मेरा दोस्त जब देख रहा है तो इस केस में लाइन ऑफ साइट क्या होगा, ये ऑब्जर्वर हो गया और मैं ऑब्जेक्ट हो गया, तो नीचे की ओर लाइन ऑफ साइट हो जाएगा उस केस में। और एंगल हमेशा किस डायरेक्शन में, बेस जो बेस के साथ बनता है, लाइन ऑफ साइट और बेस के साथ हमेशा एंगल बनता है, तो इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन बना दिया जो कि हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, यानी नॉर्मल टू द परपेंडिकुलर। तो ये जो है बेस और ये हमारा लाइन ऑफ साइट है। बेस और लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ
डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ जब एंगल बना तो बेस के साथ जो एंगल बना वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। मान लिया ये एंगल अल्फा है तो ये हमारा क्या हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको समझना काफी जरूरी है तभी हम अगली एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे।